गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 12 में क्लास प्लस वन के चैप्टर जो चल रहा है हमारा पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4 टॉपिक है अरेंजमेंट। आज हम अरेंजमेंट सीखेंगे सारी धीरे धीरे। 7.4 में डिफरेंट अरेंजमेंट है डिफरेंट थिंग्स की, और 7.5 में जो है वो आइडेंटिकल चीज़ों की अरेंजमेंट है जैसे ए। तो आज हम इस टॉपिक को सीख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उस चीज को चलाएंगे। चलो, तो सबसे पहला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर वन। सबसे पहला रिजल्ट है रिजल्ट सबसे पहला रिजल्ट है एन अलग अलग चीजें आ जाए, डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट ऐसा ना हो सेम हो, सेम की अरेंजमेंट अलग होती है डिफरेंट की अलग। एन अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, आर अरेंज करने परम्यूटेशन हम पढ़ते होते हैं, अरेंजमेंट आज हम कर रहे हैं। आर अरेंज करने किसमें बोला, इन अ लाइन में, एक लाइन में हमें अरेंज करनी है एन डिफरेंट थिंग्स। तो हम कितने वे से करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको हम अरेंज कर रहे हैं इन लाइन में इज इक्वल्स टू। तो पहले जरा अरेंजमेंट दिखा दूं कैसे करते हैं, एग्जांपल फिर रिजल्ट दिखवा रहा हूं, शॉर्टकट दिखवा रहा हूं, पहले समझा दूं इसका मतलब क्या। मान लो थ्री डिफरेंट पर्सन हैं ए बी सी, थ्री डिफरेंट पर्सन हैं ए बी सी, आर अरेंज कर रहे हैं इन अ लाइन में। तो हम कितने अलग अलग तरीकों से, जो नहीं पर्सन हो, पेन कॉपी रबर बेंच टेबल है चेयर है बेंच है, उनको अरेंज तीन नहीं चार पांच दस, यहां पे देखो तभी लिखा हुआ है एन। एन कोई भी नेचुरल नंबर है, दो भी हो सकती है चीजें, दस भी हो सकती है, सौ भी, सारा नेचुरल नंबर के लिए काम करते हैं जैसे आप परम्यूटेशन में पढ़ते हैं। चलिए थ्री डिफरेंट पर्सन हैं ए बी सी, आर अरेंज करने लाइन में, तो नंबर ऑफ तरीके ढूंढने इसके, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ इसके वेज ढूंढ दो, फाइंड कर दो नंबर ऑफ वेज। तो ऑब्वियसली बात है, कोई बच्चा कहेगा सर पहले ए बच्चा बैठ जाए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, फिर बी बैठ जाए, फिर सी, एक अरेंजमेंट ही होगी। ये हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, परम्यूट कर रहे हैं। दूसरा कहता है क्या होगा, ए बैठा रहे अपनी जगह पे, बी और सी शफल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शफलिंग। जैसे कार्ड्स की हम शफलिंग करते हैं ताश की, शफलिंग का मतलब फेंटी मारना ऊपर नीचे करना, तो इसमें बी और सी आपस में क्या हो गए, शफल हो जाए। थर्ड वन है सी आ जाए पहले या बी आ जाए पहले, कोई भी रख सकते हो, ए तो आ चुके, ए बी ए सी आ जाए, तीसरी अरेंजमेंट है। चौथी है बी सी ए आ जाए, पांचवी है सी ए बी आ जाए, छठी है सी बी ए आ जाए, सारी अलग अलग अरेंजमेंट एंड डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज इन अ लाइन। तो हम कितने में से करेंगे वो बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल है समझा रहा हूँ, तीन अलग अलग लोग थ्री डिफरेंट पर्सन हैं, आर अरेंज करने लाइन में, फाइंड कर नंबर ऑफ वेज ए बी सी से, ए सी बी मतलब बी और सी चेंज हो जाए, बी पहले बैठ जाए बाद में सी, फिर सी को इधर उठा दिया, ए को बी अपनी जगह, तो डिफरेंट डिफरेंट छह अरेंजमेंट बनती है, छह वेज, दैट मीन्स सिक्स अरेंजमेंट। इसके अलावा कोई बनाओगे तो रिपीट होगी, मेरा मतलब इसके अलावा आप बोलते हो सर सेवंथ बनेगी कौन सी, आप बोलते हो बी सी ए बनेगी, मैंने कहा जो आप सेवंथ बोल रहे हो मुझे बी सी ए, वो तो मेरी फोर्थ है ही है बी सी ए, तो कोई नहीं, तो कितने वेज हो गए, छह वेज। तो इसका कोई शॉर्टकट होता है, बिल्कुल एग्जाम में क्या ऐसे करेंगे, नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया कि अरेंजमेंट बोलते किसको है। जैसे मान लो दो डिफरेंट पर्सन हैं या टू डिफरेंट थिंग्स हैं, मान लो ए बी, आ अरेंज करें इन अ लाइन में, तो कैसे अरेंज करूंगा, ऑब्वियसली बात है, मान लो चेयर बिछी हुई है, आप दो चेयर हैं, आप दो बच्चे जाते हो किसी भी ऑफिस में, तो कैसे आप अरेंज करोगे अपने आप को, पहली चेयर पे ए बैठ जाएगा, दूसरी चेयर पे बी बैठ जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता था क्या बोला, पहली चेयर पे ए बैठ बी बैठ जाए फिर ए बैठ जाए, तो कितने वेज हो गए, सोचो दो अरेंजमेंट होती हैं, सोचिएगा इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं होती।
पहले पे ए बैठ जाए चेयर पे, दूसरे पे बी बैठ जाए, पहले बी बैठ जाए ए बैठ जाए। आप स्कूलों में जाते हो बेंचेस खाली होते हैं, मान लो दो बेंच लगे, चार बेंच या दस बेंच लगे, तो पहले बेंच पे ए बैठ गया, फिर दूसरे बेंच पे बी बैठ गया, या पहले पे बी बैठ जाए दूसरे पे ए बैठ जाए। तो ये दीज आर कॉल्ड अरेंजमेंट। तो अलग अलग अरेंजमेंट सारी हमने काउंट करनी है, वो चीज चलती है। जैसे एक फोर वाला बताऊं एग्जांपल है, फोर पर्संस या डिफरेंट थिंग्स। पर्संस का मतलब अलग ही होते हैं, ए बी सी डी या डिफरेंट थिंग्स भी बोल सकते हो, आर अरेंज करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट है, बिल्कुल है, इन लाइन में कैसे अभी बता रहा हूँ, इसके बाद ये बताऊंगा, एक और करवा दूं। तो इसको अरेंज करना, तो कैसे अरेंज करोगे, तो पहली अरेंजमेंट अगर समझते हो तो ए बी सी डी, दूसरी अरेंजमेंट है ए बी डी सी, तीसरी अरेंजमेंट है ए सी बी डी, चौथी अरेंजमेंट है। तो ये सारी हमें क्या पेपर में निकालनी पड़ेगी सर? नहीं। क्या इसका कोई शॉर्टकट होता है? बिल्कुल। सर आपको कैसे पता? मैंने पहले ए को रखा, फिर आगे पीछे घुमाता रहा, छह ये होगी। सातवीं अरेंजमेंट है बी ए सी डी, बी ए डी सी, छह अरेंजमेंट ये रही, फिर बी सी ए डी, जो एक बार आ गई उसको दोबारा नहीं लिखनी, बस ये ध्यान रखना है जब भी रखोगे बी डी सी ए, ऐसी सात, ये छह ये होगी, ये छह छह होगी, बारह छह ऐसी होंगी जो सी से स्टार्ट होंगी, सी ए बी डी, सी ए डी बी, छह ये आ जाएंगी, छह डी से स्टार्ट होंगी, डी ए बी सी। तो ये सारी अरेंजमेंट है। तो एक आदि आप जरूर एग्जाम्पल नोट कर लेना, तब कभी ना समझ में भूल जाओ फॉर्मूला, शॉर्टकट भूल जाओ, तो आप ऐसे सोच सकते हो, ये बात को ध्यान रखना, एक आधा जरूर नोट कर लेना, डी बी सी ए एटसेट्रा। तो छह ये बनेंगे, तो टोटल वर्ड्स बन गए छह, बारह, अठारह, चौबीस। तो टोटल वेज क्या बन गए? चौबीस। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे? चौबीस वेज। तो क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट है? बिल्कुल। जब भी एन अलग अलग चीजों को लाइन में अरेंज करना है तो उसके तरीके क्या होते हैं? एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वेज, एन फैक्टोरियल। क्या मतलब? जैसे थ्री डिफरेंट पर्संस को अरेंज करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ए, सीधा लिख देते हैं थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल जिसको सॉल्व करना आता है, थ्री इंटू टू इंटू वन, कितने वेज बनते हैं? छह। तो कौन से वो छह वेज होते हैं, वो मैंने लिख के दिखाया आपको, एक दो तीन चार पांच छह, सीधा शॉर्टकट फॉर्म, सीधा फॉर्मूला लिखाना। फिर दो डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है लाइन में, पेपर में सीधा लिखना, बिल्कुल सीधा करना है, टू फैक्टोरियल, कोई ऐसे अरेंज करके दिखाना। पर एक आधा एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना, कुछ समझाना हो तो बंदा ऐसे कोई भी टीचर समझा सकता है। टू फैक्टर होते हैं टू इंटू वन, तो क्या आएंगे? दो वेज, दो वेज बनेंगे। फिर चार पर्सन को अरेंज करना था तो कितने वेज बनेंगे? सीधा ही शॉर्टकट फोर फैक्टर, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर फैक्टर होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितने वेज बनेंगे? चौबीस वेज। तो ये कितने वेज थे? छह, बारह, अठारह, चौबीस। तो चौबीस वेज थे, यहाँ भी चौबीस वेज। दूसरा रिजल्ट, ये एक एग्जांपल जरूर नोट करना, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल। सेकंड है रिजल्ट नंबर टू, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, वो डिफरेंट थिंग्स यू नहीं, पर्सन हो, कोई भी हो सकती है चीजें, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आर थिंग्स आर अरेंज, आठ चीजों को अरेंज कर, आर थिंग्स आर अरेंज, आठ चीजों को अरेंज कर। तो हम कैसे करेंगे वो देख लो, बीच में मैंने जगह छोड़ दी ताकि मैं समझाऊंगा पहले, फिर लिखवाऊंगा रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आउट ऑफ थ्री पर्संस ए बी सी, टू आर अरेंज, दो को अरेंज करना है। टोटल पर्सन कितने हैं? तीन है। मान लो आपको तीन लोग दे देंगे ए बी सी, और चेयर दो ही पड़ी थी वहां पे, आपको बोला गया इन तीन में से दो बच्चों को अरेंज कर दें चेयर पे,
बाकी ये खड़ा रहेगा। सोच लो ऐसा कह दे कोई, मान लो आपके पास पर्सन तो तीन थे पर वैकेंट सीट ही दो थी, जैसे इंटरव्यू में होता है, जैसे आपके एग्जाम में होता है, कैंडिडेट देने वाले ज्यादा होते हैं एग्जाम बट सिलेक्शन कम की होती है, कम ही लोग उसको क्रैक करते हैं। ऐसे ही हो सकता है आपके पास इंटरव्यू में तीन सीटें थी, दो को हमें अरेंज करना, मतलब दो ही वहां पे अरेंज कर सकते हैं, या तीन दो चेयर बिछी थी, आप इंटरव्यू देने गए हो तीन बंदे, दो ही चेयर थी, हमें उसको अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करेंगे? हम ए को बिठा सकते हैं और बी को, सी अभी खड़ा ही रहेगा क्योंकि दो पर्सन अरेंज कर सकते हैं आउट ऑफ थ्री। या फिर पहले किसको बिठा दो, बी को फिर ए को, या फिर पहले किसको बिठा दो, ए को फिर सी को, फिर चौथे नंबर पे क्या बिठा दो, पहले सी फिर ए, पांचवें नंबर पे क्या बिठा दो, पहले बी बिठा दो फिर सी बिठा दो, और छठे नंबर पे क्या बिठा दो, पहले सी फिर बी। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगी, आप बना लेना सिक्स वे छह वे। तो क्या इसका शॉर्टकट नहीं है, पूरा निकालना पड़ेगा? है बिल्कुल शॉर्टकट, कैसे बता रहा हूं। पहले एक और एग्जांपल देखो, आउट ऑफ फोर डिफरेंट थिंग्स ए बी सी डी थ्री आर अरेंज, तीन को अरेंज करना, तो हम कैसे करेंगे, या दो को अरेंज करना, दो को अरेंज करना हम कैसे करेंगे वो देखो, टू आर अरेंज, तो हम कैसे करेंगे दो को अरेंज वो देखो। सबसे पहले अरेंज करेंगे ए बी को, फिर बी ए सोचेगा, ए बी ए सी ए डी ऐसे सोच सकते हो, ए सी ए डी, फिर बी ए अगर अरेंज करना ही है तो आपको बी ए बी सी बी डी, तो ये जल्दी निकाल दूंगी, सी ए सी बी सी डी, सी के साथ सारे, पहले ए के साथ सारे देखो, ए के साथ कौन आ सकता है, बी, क्योंकि आउट ऑफ फोर डिफरेंट थिंग्स ए बी सी डी टू आर अरेंज, दो लोगों को अरेंज करना था, तो क्या करेंगे, ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी ए सी बी सी डी, अगला डी ए डी बी डी सी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह अरेंजमेंट बन गए। तो क्या हम सर सारी अरेंजमेंट पेपर में गिनेंगे? नहीं, इसका कोई शॉर्टकट होगा? बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आर थिंग्स आर अरेंज, टोटल जितनी चीजें हैं, पी पी स्टैंड फॉर परमोटेशन, पी अरेंज, जितनों को हमें अरेंज करना है वो यहां पे आएंगे, टोटल थिंग्स, या पूरा लिखूं तो मैं ये बोलता हूं आपकी लैंग्वेज में, टोटल डिफरेंट थिंग्स पी, नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज, नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज, टू बी अरेंज। दो को अरेंज करना है, क्या मतलब हुआ, टोटल डिफरेंट थिंग्स, नीचे आएगा नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज। अब टोटल डिफरेंट थिंग्स कितनी है सोचना, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टोटल पी, पी मतलब परम्यूट करना, अरेंज, टोटल कितनी चीजें सोचो, टोटल चीजें एन, टोटल है एन सोचना, और अरेंज कितनी करनी है सोचो, आर, आर को हमें अरेंज करना, टोटल चीजें आपके पास कितनी है, टोटल एन, और अरेंज किसको करना है बेटा, आपको आर को। तो क्या फॉर्मूला बन गया सोचो, टोटल एन अरेंज करना आर को, एन पी आर, ऐसे लिखो, जैसे एग्जांपल आउट ऑफ थ्री पर्संस टू आर अरेंज, तो कैसे कराओगे, थ्री पी टू, थ्री पी टू का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो, 3 इनटू 2 इनटू 1, 1 फैक्टोरियल को एक बार ही तोड़ दो, कितना हो गया 6 बाय 1, कितने वेज आ गए 6 वेज, तो देखो जरा ये भी 6 ये भी 6 है, तो सीधा हम रिजल्ट याद कर सकते हैं। जैसे इसको देखो, आउट ऑफ फोर डिफरेंट थिंग्स टू आर अरेंज, टू को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करोगे, 4 पी
टू। अब इसमें क्या लगा दो, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल क्या आएगा 2 इंटू 1, 2 से 2 गया 1 से 1 गया, 12 वेज बनेंगे, तो मैंने भी 12 ही बनाए। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो सर आउट ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स 3 को अरेंज करना होता तो कितने वेज होते, तो सीधा निकाल सकते हो। क्या मतलब, आउट ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स 3 आर अरेंज, 3 को अरेंज करने तो कैसे कर लोगे, वो आएगा 4p3 वेज, मतलब 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो कितने वेज आएंगे काके, सीधा निकाल सकते हो, ये मतलब है। तीसरा रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। तो अभी तक दो पढ़े हैं, n different things are arranged in a line में n factorial ways, और out of n different things r things are arranged total different things, p मतलब permutation number of things to be arranged, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो total p arrange या npr ways, npr ways आ सकते हैं। जैसे आप लोग ये भी सोच सकते हो इसमें क्या बोला, जैसे n different things से arrange करने line में इसको लिख सकते हैं n factorial ways, या n में से n चीजों को अरेंज करना है तो np n ways भी इसको लिख सकते हैं। आउट ऑफ n थिंग क्या आएगा बताओ, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स n आर अरेंज, n आर अरेंज, वो आप देख लो, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए तो थर्ड रिजल्ट है अब आपके पास, थर्ड रिजल्ट क्या बनेगा देखो जरा, वो कह रहे हैं एम थिंग्स है एक तरह की डिफरेंट है, एम डिफरेंट थिंग्स है वन काइंड की, जैसे एम हो गए बॉयज, एम डिफरेंट थिंग्स है वन काइंड की, जैसे m boys हो गए, n different things है other kind की, क्या मतलब बता रहा हूँ। तीसरा result है, result number 3, result number 3, अब वो क्या कह रहे हैं, m different things है ऑफ वन काइंड की एक जैसी, जैसे एग्जांपल में समझाऊंगा, तीन बॉयज दे दिए एंड टू डिफरेंट थिंग्स हैं, मतलब एन डिफरेंट थिंग्स हैं ऑफ अदर काइंड की, अभी बताओ आर अरेंज करना है इन अ लाइन में, इन अ लाइन such that, इस तरह से कंडीशन लगा दी, such that जो n different things हैं are always together, are always हमेशा क्या आएंगे इकट्ठे आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आर्टिकल समझा दूं क्या कहना क्या चाहता है, फिर मैं वे समझा देता हूं। वो ऐसा कहना चाहता है अगर आपके पास मान लो एक क्लास के अंदर तीन बॉयज और दो गर्ल्स हैं, एग्जांपल इन अ क्लास थ्री बॉयज हैं एंड टू गर्ल्स हैं, को अरेंज करना है इन अ लाइन में, पहले इतनी बात, तो हम कितने में से करेंगे, पहले वाला इतना है, सच दैट ऑल द टू गर्ल्स या थ्री बॉयज सिट टुगेदर, बाद की बात है, पहले मैं इसकी बात कर दूं, नंबर ऑफ वेज, देयर आर टू गर्ल्स इन ए क्लास, देयर आर थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स, आर अरेंज करना है इन अ लाइन, ये
या टू गर्ल्स हैं, फाइंड करो सबसे पहली बात टोटल अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो। इन ए क्लास देर आर थ्री बॉयज एंड फाइव टू गर्ल्स हैं, फाइंड करो टोटल अरेंजमेंट। मुझे टोटल अरेंजमेंट निकालने को बोला, तो टोटल अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन है। फिर मैं इसका अगला पार्ट करूंगा। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, सोचो कितने हो गए स्टूडेंट्स, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 5। अब मुझे उनको अरेंज करना है। इन ए क्लास देर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हैं, फाइंड आउट टोटल, पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल दो, फिर मैं ये वाला आगे आर्टिकल समझाता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, नाउ नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 स्टूडेंट्स आर कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल वेज। कितने तरीकों से 5 बच्चों को अरेंज कराओगे, सोचो जरा, 5 फैक्टोरियल वेज से कराओगे। कौन से 5 फैक्टोरियल वेज होंगे, सोचो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, मतलब 120 तरीके होंगे। कौन कौन से वो तरीके होंगे वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया क्वेश्चन, मेरा मतलब ये वाला आर्टिकल नहीं अभी कराया कि ऑलवेज टुगेदर वाला, वो मैं अभी बाद में, पहले एक बार देख। तो कहता है इन अ क्लास देर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, फाइंड टोटल अरेंजमेंट। मुझे टोटल अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट कैसे ढूंढूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 5, 3 बॉयज 2 गर्ल्स, नाउ नंबर ऑफ वेज टू बी अरेंज 5 स्टूडेंट्स आर 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 120। तो अब 120 वेज कौन कौन से हैं, सोचो जरा। तो 120 में से कुछ एलिमेंट मैं करके दिखा रहा हूँ, इधर देखो, पहला बॉय बैठ जाए, दूसरा बॉय बैठ जाए, फिर गर्ल बैठ जाए, फिर बॉय बैठ जाए, फिर गर्ल बैठ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है पहली गर्ल बैठ जाए, फिर बॉय बैठ जाए, फिर बॉय बैठ जाए, फिर गर्ल बैठ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है बॉय टू पहले आ जाए, बॉय थ्री बाद में आ जाए, गर्ल वन आ जाए, गर्ल टू आ जाए, बॉय वन आ जाए, बॉय थ्री आ जाए, बॉय टू आ जाए, गर्ल टू आ जाए, बॉय वन आ जाए, गर्ल वन आ जाए। आ सकती है ऐसी अरेंजमेंट, क्यों नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ऐसी अरेंजमेंट। तो और देखो जरा, और कोई अरेंजमेंट देखो, तो ऐसी कितनी अरेंजमेंट बनेंगी, 1, 2, 3, 4, पहले दोनों गर्ल्स बैठ जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट है। फिर बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री बैठ जाए, 6 है, गर्ल वन बैठ जाए, बॉय वन, बॉय टू, गर्ल टू बैठ जाए, बॉय थ्री। तो ऐसी कई सारी बनेंगी, वो कितनी बनेंगी वो आप सोचो, बॉय वन, गर्ल टू, गर्ल वन, बॉय टू, बॉय थ्री। तो ऐसे कितनी वेज बनेंगी, 120 तरीके बनेंगे आपके पास। कितने तरीके बनेंगे बेटा, 120, मैंने लिखे गए 7 तरीके। अब वो आगे कंडीशन कहता है उसको पढ़ता हूँ। तो टोटल 120 वेज है, ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 1। ये क्या करा दिया अभी आपका रिजल्ट, फर्स्ट से हमने इसको सॉल्व कर दिया, रिजल्ट नंबर 1। अब वो क्या कहना चाहता है, कहता है अब सुनो, सेकंड कंडीशन, इन अ क्लास देयर आर 3 बॉयज, इस क्वेश्चन को पढ़े, एंड 2 गर्ल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सच दैट, इन अ क्लास देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, अरेंज करो इस तरह से, द टू गर्ल्स जो होंगी ऑलवेज सिट टुगेदर, हमेशा इकट्ठी बैठी होंगी। गर्ल्स को हमेशा इकट्ठा बिठाना है, तो अगर गर्ल्स को इकट्ठा बिठाना, ये तो टोटल अरेंजमेंट थी 120। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी थे कि जहां गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई थी, यहां गर्ल्स अलग अलग थी। किसमें, ये टोटल कितने केस थे टोटल मिला के, ये 120 केस थे, जिसमें से मैंने सिर्फ 7 केस आपको एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किए। पर अब वो क्या कह रहा है, अब कंडीशन चेंज कर रहा है इस आर्टिकल में, अब कौन सा रिजल्ट नंबर लगा रहा हूँ, पहले रिजल्ट नंबर आपका 1 लगाया था, अब 3 के ऊपर चल रहा हूँ। तो कहता है इस तरह से अरेंज करो, चलो कर देंगे, कि सच दैट इन अ क्लास देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, अरेंज सच दैट 2 गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, 2 गर्ल्स को हमेशा इकट्ठा बिठाना। जब 2 गर्ल्स को इकट्ठा बिठाना है, तो कहता है ये वाला केस तो नहीं चलेगा, ये वाला केस भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, 2 गर्ल्स ये चल जाएगा जब 2 गर्ल्स इकट्ठी बैठी होंगी, ये वाले केस तो नहीं चलेंगे भाई, आप कोशिश कर लो, ये वाला भी नहीं चलेगा, गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी, ये वाला चलेगा क्या, है ही क्यों, दोनों की दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई, ये वाला चलेगा क्या, हाँ चल जाएगा, क्यों चलेगा, क्योंकि दोनों गर्ल्स क्या बैठी होंगी, इकट्ठी,
वो वाले केस हटा दो इसमें से, जब दोनों गर्ल्स क्या ना बैठी हो, इकट्ठी ना बैठी, ये वाला चलेगा नहीं, ये वाला चलेगा हाँ, सोच लेना। ये तीन केस अभी तक सात में से मुझे दिखते हैं, बाकी चार केस फेल हैं, तो ऐसे कहीं और केस भी तो फेल होंगे, तो निकालूंगा कैसे? या तो फॉर्मूला लगा लेना शॉर्टकट मतलब, या लॉजिक सोचना। जब भी किसी को इकट्ठा करना है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ तक याद कर लो, इकट्ठा करना था तो हम उसको क्या कर लेते थे, उसको टाई अप कर लेते थे, बांध लेते थे। अगर हमें अपने कहीं से आके बुक्स लेके आनी है या ग्रोसरी की आइटम लेके आते हैं तो क्या करते हैं, भैया दाल भी दे दी, चीनी भी दे दी और आपको साबुन भी दे दिया, बाद में एक बड़ा सा पॉलिथीन में सारा कुछ इकट्ठा करके ले जी ले जाओ घर पे। अब एक एक थोड़ा हाँ मैं चीनी भी उठा रहा हूँ, चावल भी है, जेब में साबुन डाल दिया, इधर जेब में मैंने पेन डाल दिया तो दूसरी दाल इधर डाल दिया, ऐसा थोड़ा करूँगा। सबको क्या करूँगा, बड़े से पॉलिथीन में इकट्ठा कर लूँगा, एक सेट बना लूँगा, एक नग बना लूँगा, अब उस नग को लेके मैं घर पे चला जाऊँगा। सोचना, मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने कुछ दाल, एक दाल खरीद ली या दो दालें खरीद ली, चीनी खरीद ली, चाय पत्ती खरीद ली, पेन खरीद लिया, पाउडर खरीद लिया, लिपस्टिक थोड़ा खरीदोगे गधे कहेंगे, वो सॉप खरीद लिया आपने, पाउडर खरीद लिया, और चलो उसके पास आइसक्रीम भी थी, ब्रिक खरीद ली, उसने बोल दिया भाई ब्रिक ना इसमें डालो, वो क्या करेगा, बाकी सारा शुगर चीनी दाल चाय पत्ती पेन वो तो एक उसके अंदर डाल देगा बड़े से पॉली बैग में, और ब्रिक को दूसरे में डाल देगा कि अब ब्रिक मत लेके जाओ सारा खराब हो जाएगा सामान। तो क्या करेगा, वो सारे सामान को एक नग के अंदर एक यूनिट बांध देगा। तो एक नग हो गया आपके पास जिसमें दाल दूल थी, आपके पास साबुन था, और एक नग और हो गया जिसमें आपने आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम आप हाथ में लेके जा रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो जिस भी बैग में लेके जा रहे हो, तो दो नग हो गए। तो एक नग में सारा, तो जिसको इकट्ठा करना है उसको क्या करते थे, उसको बांध लेते थे, उसको इकट्ठा कर लेते थे। बचपन में भी स्कूल से जब बुक्स मिलती थी हम लोगों को, अब तो चलो हम बड़े हैं, तो हम क्या करते थे, वो नोटबुक की अलग बाइंडिंग अलग से एक बांध देते थे, ये भी तुम्हारी नोटबुक है, बुक को भी अलग बांध देते थे, कहते ले जाओ, बंदी हुई पड़ी होती थी सारी, जितनी भी नीचे पड़ी होती थी टेबल पे, याद करो स्टेशनरी शॉप पे, तो बांध के आपको दे देते थे, तो बंडल बना देते थे आपकी बुक्स का बंडल, तो वो एक नग हो जाता था। होती तो उसमें चार बुक्स थी, पांच बुक्स थी, छह बुक्स थी, उस थैले में है तो छह चीजें, सात चीजें, दाल है, चीनी है, पेन है, सोप है, क्रीम है तो छह सात चीजें, पर नग एक हो गया, इकट्ठा कर दिया। तो वही लॉजिक यहाँ लगा लो, तो लॉजिकली हम इसको कैसे करते हैं, लॉजिक से, फॉर्मूले से, लॉजिक से, लॉजिक से क्या करेंगे, दोनों गर्ल्स को इकट्ठा उठाना है तो मैं जीवन और जीटू को एक सेट के अंदर बांध दूंगा। दिस इज द लॉजिक, जीवन जीटू को क्या करूंगा, एक सेट के अंदर बांध दूंगा, बाकी चीजों को फ्री छोड़ दूंगा। फ्री का मतलब बॉयज को मुझे इकट्ठा नहीं करना, बॉयज जहां मर्जी जाए। क्या मतलब, जैसे ये देखो गर्ल्स हमेशा इकट्ठी है, बॉयज आगे पीछे जा सकते, गर्ल्स हमेशा इकट्ठी है, बॉयज आगे पीछे जा सकते हैं, तीनों बॉयज बाहर में भी हो सकते हैं, गर्ल्स यहाँ है, कुछ एक बॉयज यहाँ यहाँ आ सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल हूँ, बॉय वन आ गया, गर्ल टू आ गया, गर्ल वन, बॉय टू, बॉय थ्री, बॉय वन, बॉय टू, गर्ल वन, गर्ल टू, बॉय थ्री, गर्ल वन, गर्ल टू, बॉय वन, बॉय थ्री, बॉय टू। मैं अपने दिमाग में एक पिक्चर सी बना लेता हूँ कि मुझे जिसको इकट्ठा करना है मैं उसको सेट में रख लेता हूँ, गर्ल टू, गर्ल वन, बॉय थ्री, बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री, ये सारे केस मुझे चाहिए, बॉय वन, बॉय टू। मतलब शफलिंग तो हो रही है, शफलिंग अगर आराम से देखा जाए तो इन चार पांच एग्जांपलों में एक दो तीन और ये चार पांच लिखे हैं, कहता है बॉयज शफल हो रहे हैं, बॉयज पहले आगे आ रहे हैं, कभी सारे बॉयज पीछे जा रहे हैं, बॉय शफल हो रहे हैं, साथ में एक सेट भी शफल हो रहा है, नग भी शफल हो रहा है, सेट बोलते हैं इसको, ये भी आगे पीछे हो रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे हो रहा है, कभी शुरू में है, कभी लास्ट में भी आ सकता है ये नग, बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री, जी वन, जी टू, तो ये भी शफल हो रहा है सोचो, पर ये शफल जब भी होता है तो इकट्ठा होता है, दिखने में इकट्ठा हो रहा है सोचो, तो एक दो तीन चार, चार चीजें इसमें शफलिंग इन्वॉल्वमेंट ले रही है, तीन बॉयज और एक ये नग, मैं इसको नग बोलता हूँ, हिंदी में नग बोलते हैं और इंग्लिश में एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट, एक यूनिट, तो शफल हो रहा है एक, शफल हो रही दो चीजें, शफल हो रही तीन चीजें, शफल हो रही चार चीजें, तो चार चीजें शफल होती है। तो इसको करते कैसे हैं, इसको एक नग मानते हैं बेटा, ताकि इसको एक नग मान लो, अगर लॉजिक सोचते हो, नग होता है यूनिट, अगर आपने कभी अपनी लाइफ में सुना नग तो ठीक है, नहीं तो एक यूनिट मान लो, एक दो तीन चार, तो ये हो गया फोर फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से हमारा क्या मतलब है, 4 फैक्टोरियल से हमारा मतलब है एक्सटर्नल शफलिंग,
एक्सटर्नल शफलिंग से हमारा क्या मतलब है, ये आगे पीछे होंगे पर होगा ये सेट आगे पीछे इकट्ठा, जैसे फोर फटल होता है 24 केस, तो उन 24 केसेस में क्या आएगा अगर आप मेरी बात को समझो, अगर मैं इन 24 केसेस को दोबारा देखूं तो इसमें आएगा यही वाले G1 G2 B1 B2 B3 B2 G1 G2 जब भी जा रहे सेट जा रहे हैं B3 B1 B1 B3 G1 G2 B2 आपके पास जाएगा B1 B2 G1 G2 B3 B3 B1 B2 आपस की शफलिंग हो रही है इनकी, मतलब ये एक तो ये शफल कर रहे हैं, एक B1 शफल कर रहा है, एक B2 एक B3 अगर आप देखो तो ये शफलिंग होती है, इनको हम बोलते हैं बाहरी शफलिंग, ये हो रही है सारी एक्सटर्नल शफलिंग, एक्सटर्नल शफलिंग। पर आप सारे समझ गए हो, पर सर ऐसा भी तो हो सकता है क्या भला कि G2 पहले आ जाए G1 बाद में आ जाए, मेरा मतलब G1 पहले G2 बाद में, या G2 पहले आ जाए G1 बाद में, मतलब गर्ल्स भी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, G1 बाद में G2 पहले अपनी गर्ल्स भी तो बिल्कुल कर सकती हैं, तो सर वो कहां गई, ये गर्ल 1 गर्ल 2 दो गर्ल्स थी इनटू अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, याद करो उस लैंग्वेज को, जब तक मेरा इवेंट पूरा नहीं होता तब तक मैं मल्टीप्लाई यूज करता हूं, तो इवेंट इज येट टू कंप्लीट, इवेंट क्या होगा कब के, इज येट टू कंप्लीट, क्यों कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, ओनली सुनो यहां तक कितने अरेंजमेंट हुई है, 1 2 3 4 तीन बॉयज और एक सेट, तीन बॉयज और एक सेट की अरेंजमेंट हुई है, अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, गर्ल्स भी तो आपस में शफलिंग करेंगी, गर्ल वन उठ के गर्ल टू की पोजीशन पे जाएगी, गर्ल टू गर्ल वन की पोजीशन पे, मतलब ये वाली शफलिंग कहां जाएगी, यही अरेंजमेंट में क्या हो जाए, गर्ल टू पहले गर्ल वन बाद में बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय टू गर्ल टू पहले गर्ल वन बाद में, यही अरेंजमेंट है, बस ये गर्ल वन गर्ल टू है, गर्ल टू गर्ल वन है, देखोगे तो ये क्या दिया बॉय वन, ये क्या दिया बॉय थ्री, गर्ल वन गर्ल टू की जगह पहले गर्ल टू आ जाए फिर गर्ल वन आ जाए बॉय टू, ये भी तो शफलिंग चलेगी, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल शफलिंग, अंदरूनी शफलिंग, इंटरनल शफलिंग, तो इंटरनल शफलिंग क्या है इसकी आपस में इनटू क्या लग जाएगा 2 factorial, ये हो गया आपका लॉजिक, 2 factorial किसके लिए लग गया है सोचो, 2 factorial कोई पूछता है किसके लिए लग गया है तो बोल देना 2 factorial जो मैंने लगाया है वो मैंने लगाया है इंटरनल शफलिंग के लिए, इंटरनल मतलब अंदरूनी शफलिंग होगी, इंटरनल शफलिंग, एक होगी आपके पास एक्सटर्नल एक होगी इंटरनल, बस ये होता है इसका लॉजिक, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा, फॉर्मूले में क्या कराओगे, अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो m डिफरेंट थिंग्स वन काइंड के हैं तो ये आ जाएगा ब्लैंक m प्लस 1 factorial इनटू n फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा m प्लस 1 factorial इनटू n फैक्टोरियल, जैसे अगर इसी में देखूं इन्हें क्लास दे रहा 3 boys हैं एंड 2 girls हैं, अरेंज करना है सच दैट 2 girls ऑलवेज सिट टुगेदर, तो वो कह रहा है n डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन काइंड एंड m डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन काइंड एंड n डिफरेंट थिंग्स ऑफ अदर काइंड आर अरेंज सच दैट n डिफरेंट थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको जो लगाएंगे 3 को इसको हम नाम दे देंगे, सोचना जरा 3 को किसका नाम दे देंगे m का और 2 को किसका नाम दे देंगे n का, तो फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला कितना आएगा सोचो जरा, लगा दूं यहाँ पे कहाँ आएगा, ये यहाँ लगाऊं इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ लगा देता हूँ, चलो यहाँ लगा देता हूँ, तो फॉर्मूला कितना बनेगा करके बोलो, फॉर्मूला बोलो आप लोग, फॉर्मूला क्या है ये बोलो, जिसने फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो, एम प्लस 1 factorial फॉर्मूला है एम प्लस 1 factorial एन फैक्टोरियल, एम कितना बताओ एम 3 plus 1 ये एम लिखा हुआ है एम प्लस 1 factorial फॉर्मूला लिखा जाएगा इनटू n फैक्टोरियल 3 plus 1 factorial इनटू n कितना आपका 2 factorial
तो कितना आएगा बताओगे बेटा, 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। जैसे एक आधा एग्जांपल और करा, देखो जरा फोर्थ कंसेप्ट है, पहले एग्जांपल करा दूं बुक का जरा। एग्जांपल है बुक का है, 7.4 का है। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे, पहले का एग्जांपल करा लूँ फिर मैं फोर्थ कंसेप्ट कराऊंगा, ताकि ये चीज़ और समझ में आ जाए आपके। बुक का इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो 14 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, वर्ड दे रखा है कंबाइन, कहते हैं वर्ड दे रखा है कंबाइन, लॉजिक से भी कर दूंगा और फॉर्मूले से भी कर दूंगा। देखो एक वर्ड दे रखा है कंबाइन, 14 का एग्जांपल के तौर पे देखो, 14 का फर्स्ट है COMBINE, कहता है इस तरह से अरेंज करो वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर। तो इसमें क्या करें, कहता है अरेंज करो सच दैट वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवल हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। तो जो चीज इकट्ठी आएगी उसको क्या कराओगे आप ही बता दो, उसको क्या कर दोगे एक सेट के अंदर बांध देना। तो पहले कॉन्सोनेंट और वॉवल देख लो कौन कौन से, कॉन्सोनेंट कितने इसमें से बताओ, सी एम बी एन। वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स ओ आई ई। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक वो क्या कह रहे हैं, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो ओ आई ई को एक सेट के अंदर बांध लो। एक सेट के अंदर बांधने का मतलब ही क्या होता है, इसको एक नग बना लो। तो अब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, एक नग की तरह करोगे। नग मतलब ये एक यूनिट है, इसको तीन यूनिट नहीं मान लो, ये अब एक ही बंदा है जिसको लिखा ऐसे जा रहा है, ऑब्लिक एक यूनिट मान लो, एक टुकड़ी है, बाकी क्या रह गया सी एम बी एन। तो एक दो तीन चार पांच, एक पूरा ये एक नग, एक दो तीन चार पांच, 5 फैक्टोरियल। ये किसके लिए लगेगा, एक्सटर्नल जो बाहरी शफलिंग होती है उसके लिए लगता है, इवेंट अभी पूरा नहीं होता है, इवेंट इज येट टू कंप्लीट इनटू एक दो तीन चार पांच, 5 इंटू। अब अंदर के नग में जो शफलिंग होगी, क्योंकि बैग में जब आप सामान डालोगे तो पहले चीनी फिर चाय पत्ती फिर साबुन, कोई जरूरी थोड़ा ऐसे डालोगे, पहले चाय पत्ती डालो फिर साबुन फिर चीनी डालो बैग के अंदर, बैग तो एक नग बन गया पर उसके अंदर वाले भी तो ऊपर नीचे शफल कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो क्या होगा, एक दो तीन क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, ये क्या होगा इंटरनल शफलिंग। तो ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से करा देते हैं। फॉर्मूले में एम और एन ढूंढना पड़ता है आपको बस, और लॉजिक में आपको क्लियर हो जाता है देखते सारी, पेपर में जैसे मर्जी कर लीजिएगा। फॉर्मूला लगाना है तो मैं इसका फॉर्मूला भी लगा देता हूँ। फोर्थ कंसेप्ट है फॉर्मूले, फॉर्मूले में किसको इकट्ठा करना है उसको एन मानना, वॉवल्स अब कट टुगेदर है तो एन क्या हो गया 3 है, एम क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4 है, देख लो जिसको इकट्ठा करना उसको एन मानना है। तो फॉर्मूला है एम प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, 4 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आंसर। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, अगला है कंसेप्ट। रिजल्ट नंबर 4 है, इसी में आते हैं। वो कह रहे हैं m डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन काइंड है एंड n डिफरेंट थिंग्स ऑफ अदर काइंड है, आर अरेंज करने इन लाइन में सच दैट, नो नो लिखा हुआ है नो, नो टू थिंग्स आउट ऑफ m बार, नो टू थिंग्स आउट ऑफ एन आर,
ऑलवेज अकर टूगेदर। क्या मतलब है बता रहा हूं, कोई भी दो चीजें आउट ऑफ एन, नो टू थिंग्स आउट ऑफ एन आर ऑलवेज अकर टूगेदर। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, एग्जाम्पल थ्री बॉयज अभी एग्जाम्पल किया था, एंड टू गर्ल्स इन क्लास में आर अरेंज करने इन सच ए वे दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी, कोई भी दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठे, तो क्या कराओगे इसको? नंबर ऑफ वेज लॉजिक पहले लगा लेते हैं। टोटल अरेंजमेंट देखी जाए तो 120 बनी थी, अगर थोड़ी देर पहले याद हो, टोटल अरेंजमेंट बनी थी 5 factorial 120 बनी थी, जिसमें से हमने कुछ देखा हो तो ऐसा आया था बॉय वन बॉय टू तीन सॉरी बॉय वन बॉय थ्री गर्ल वन बॉय टू गर्ल टू बॉय थ्री गर्ल टू बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री बॉय टू बॉय वन गर्ल टू बॉय थ्री गर्ल वन गर्ल वन बॉय टू गर्ल टू बॉय थ्री। ऐसी कुछ अरेंजमेंट आई थी जिसमें से मैंने कुछ लिखी है 1 2 3 4 5 6 बॉय वन बॉय टू गर्ल वन गर्ल टू बॉय थ्री, सेवंथ लिखिए 4 बॉय वन बॉय टू गर्ल वन बॉय थ्री, और एट्थ एक और लिख दी है बॉय वन या गर्ल वन बॉय टू बॉय थ्री गर्ल वन, ऐसे लिख। अब वो क्या कह रहे हैं, तीन बॉयज दो गर्ल्स को अरेंज करो सच ए वे दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। हमने वो वाला केस लिखना है जिसमें दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी होंगी, तो देखो दो गर्ल्स इकट्ठी बैठी हुई हैं ये केस नहीं लेंगे, दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई वो वाले केस ले लेंगे, इसमें दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई ये लेंगे, दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई ले लेंगे, दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई ले लेंगे। तो मेरा मतलब हम वो सारे केस ले लेंगे जिसमें दो गर्ल्स हमेशा इकट्ठी ना बैठी हों, तो वो वाले केस छोड़ देंगे, ये भी ले लेंगे दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे क्योंकि इसमें दो गर्ल्स इकट्ठी बैठी हुई हैं, ये भी नहीं लेंगे दो गर्ल्स इकट्ठी बैठी हुई हैं, लास्ट वाला केस ले लेंगे क्योंकि इसमें दोनों के दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी, पहले जीवन बैठी है फिर बॉयज बैठे हैं फिर जीवन। तो कहता है ऐसे हमने अरेंजमेंट लेनी है जिसमें दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी होंगी, चाहे भले ऐसे बैठी हों चाहे दूर दूर बैठी हों चाहे पहली लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉजिक देखो इसका क्या होता है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर में पहले बॉयज को बिठा लो बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री, एक दो तीन कितने में से बिठा लोगे 3 factorial वेज से। अभी मैंने बॉयज बिठाए गर्ल्स नहीं बिठाई, तो ये कहता है इवेंट अभी पूरा कहाँ हुआ है, इवेंट इज येट टू कंप्लीट, अभी बाकी होना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बॉयज को बिठा लेता हूँ, जैसे बॉयज को बिठा लिया, अब गर्ल्स चाहे पहले लास्ट में बिठाऊँ पहले थर्ड लास्ट में बिठाऊँ चाहे गर्ल्स एक बॉयज से बीच में आ जाए तब बिठा लूं, तो कहने का मतलब ये प्लेस बचेगी 1 2 3 4 गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 2 हैं गर्ल 1 गर्ल 2, गर्ल 2 रह गई हैं और प्लेसेस मेरे पास 1 2 3 4 हैं, गर्ल चाहे शुरू में बैठ जाए गर्ल चाहे लास्ट में बैठ जाए चाहे बीच में बैठ जाए। तो अब पहली गर्ल को बिठाने के लिए कितने वेज हैं, 1 2 3 4 कहीं भी गर्ल बैठ जाए 4 वेज, और अगली गर्ल को मान लो गर्ल वन यहाँ बैठ गई, अगली गर्ल को बैठाने के लिए 1 2 3 वेज रह गए क्योंकि यहाँ तो गर्ल बैठ चुकी है, सोचो बीच में ये क्या मैंने खाली जगह छोड़ दी, चेयर छोड़ दी बीच में खाली जगह छोड़ दी, बॉयज हर बॉयज पहले बॉयज को उठा लिया दोबारा देखो, पहले मैंने क्या किया ऊपर में दोबारा दिखा रहा हूँ नहीं समझ आ रहा था, पहले मैंने बॉयज को उठा लिया अभी बैठ दो तुम लोग, तो क्या कह गए 3 factorial वेज 6 वेज से बैठ गए, आगे पीछे हो सकते थे बॉयज, कभी बॉयज 1 बैठता कभी बॉयज 2 बैठता कभी बॉयज 3 बैठता, बॉयज आगे पीछे कर लिए,
फिर मैंने बीच में एक जगह पे चेयर रखवा दी, यहाँ भी चेयर, यहाँ भी चेयर, यहाँ भी चेयर, यहाँ भी चेयर, समझो चेयर रखवा दी। अब गर्ल वन गर्ल टू नहीं आना है, मैंने कहा बैठो भी, तो पहली गर्ल या तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर वहाँ, चार में से बैठ गई, मान लो पहली गर्ल यहाँ बैठ गई, फिर दूसरी गर्ल को बैठा था, दूसरी गर्ल यहाँ यहाँ या फिर यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठ चुकी है गर्ल टू बैठ गई, फिर भी उसके बीच में क्या बैठा है भाई, तो दोनों गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी हुई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहली गर्ल को बिठाना है आपको क्या बिठाओगे, या तो यहाँ पे बॉय से पहले, या तो पहले बॉय के बाद, दूसरे बॉय से पहले, दूसरे बॉय के बाद, तो एक दो तीन चार वेज हैं। तो जब गर्ल वन यहाँ बैठ गई, दूसरी गर्ल के पास एक दो तीन, यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, अगली को बैठे तीन वेज है, मान लो गर्ल टू यहाँ बैठ गई, तो पोजीशन क्या बनी, सोचो इसकी पोजीशन इस समय क्या बनी, बॉय वन बॉय टू जी वन बी थ्री जी टू, चल जाएगा चल जाएगा, दोनों गर्ल्स में एक बॉयज है, तो ये क्या आ गए इसके नंबर ऑफ वेज। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बता दूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बता रहा हूँ, पहले लॉजिक से सुन लो फिर फॉर्मूले से सुन लेना। तो ये चीज़ चलनी है, गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठी होंगी। जैसे एग्जांपल है, अभी आपने एक वर्ड सुना था कंबाइन, कहता है अरेंज करो सच दैट नो टू वावल्स ऑकर टुगेदर, कहता है इस तरह से अरेंज करो such that no two vowels occur together, कोई भी दो आवाज इकट्ठे नहीं आएंगी, तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, पहले कॉन्सोनेंट लिख लो, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं सोचो, पता ही थे अभी लिखवाए थे, सी एम बी एन, कितने में से फोर विक्टोरियल, अब मुझे क्या लिखाना है, अब मुझे क्या करना है, वॉवल्स को इकट्ठा नहीं बिठाना, तो बीच में जगह छोड़ दी, तो वॉवल्स है कौन कौन से सोचो, वॉवल्स ओ है इसमें, आई है, ई है, तो ओ को बिठाने के लिए कितने तरीके हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो ओ को बिठाने के लिए पांच तरीके हैं सोचो, या तो यहाँ बिठा दूंगा, या फिर वो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, मान लो आपका मन करता है आपने ओ को यहाँ बिठा दिया पाँच वे से, फिर आई को बिठाएंगे कितने तरीके रहेंगे, एक दो तीन चार रहेंगे आई को बिठाने के लिए, आई मान लो यहाँ बिठा दिया आपने, फिर ई को बिठाएंगे कितने तरीके रह देंगे, एक दो तीन रह देंगे, तो ये वेज नहीं है आपके पास, ये है लॉजिक, चाहे आप लॉजिक से कर लो, बिना लॉजिक के करना, बिना लॉजिक के बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या लगता है बता रहा हूँ। तो पहले आप वाक्य को बिठा लो, सी एम बी एन फोर फैक्टोरियल, बाकी क्या रहेंगे, ओ ओ को बिठाएंगे एक दो, ओ को बिठाने के लिए कितनी मिशन छोड़ दिया आपने, एक दो तीन चार पाँच, ओ को बिठाएंगे पाँच, आई को उठाने के लिए एक दो तीन चार, ई को उठाने के लिए चाहे यहाँ बिठा लो, चाहे यहीं बिठा सकते हो, ये बिठा लो, तो पोजीशन बनी कौन सी बताओ, पोजीशन क्या बनी, सी ओ एम बी आई एन ई, ये पोजीशन बनी, पोजीशन क्या बनी दोबारा देखो जरा, क्या पोजीशन बनी, सी ओ एम बी आई एन ई, ई आई ओ, कोई भी देखो तीनों में से बहुत इकट्ठे नहीं बैठे हुए, तो ये आंसर आ जाएगा, या फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला कैसे लगाओगे सोचो, m डिफरेंट थिंग्स थी वन काइंड की, तो m फैक्टोरियल आ गया इनटू n प्लस वन इनटू a, जितनों को इकट्ठा करना है n प्लस वन, p नो टू वॉवल्स सिट टुगेदर हैं आपके पास, m प्लस वन P N वेज, सोचिएगा ये बन जाएगा फॉर्मूला, समझ में नहीं आया बता रहा हूं। तो वो क्या कहना चाहता है इसमें, तीन बॉयज थे, M डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन काइंड की हैं, टू गर्ल्स हैव अरेंज इन सच ए वे, तो N डिफरेंट थिंग्स ऑफ अदर काइंड की हैं, सच दैट नो टू गर्ल्स नो N थिंग्स आर ऑलवेज ऑफ टुगेदर, तो थ्री क्या काम करेगा सोचो, M का थ्री किसका काम करेगा सोच लो, M का, और टू किसका काम करेगा, N का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सोचो, बना लो फॉर्मूला, यहाँ लिख दो फॉर्मूले से, देखो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा सोचो जरा, M फैक्टोरियल M प्लस वन पी एन, तो M कितना इसमें, M कितना है आप सोचो, M कितना है थ्री फैक्टोरियल, थ्री प्लस वन पी एन कितना है टू, तो कितना आएगा सोचो जरा, 3 फैक्टोरियल इनटू 4p2, 4p2 सॉल्व करना आता हो शॉर्टकट से, 4p2
फोर इंटू थ्री, चार को दो बार सॉल्व कर लो, चार को दो बार याद करो शॉर्टकट, ये तो हो गया 3/4 × 3। मेरा मतलब अगर मुझे इसी को फॉर्मूले से करना होता तो ये तो मैंने किससे सॉल्व किया, इसको लॉजिक से। अगर मुझे कंबाइन को ही फॉर्मूले से सॉल्व करना होता फॉर्मूले से, तो m कितना आएगा बताओ जरा। m कॉन्सोनेंट है, कंबाइन सर देयर नो टू वॉवल्स, तो m तो वॉवल्स आ गए, नो टू वॉवल्स। m 3 है, m कितना है आपके पास, m 4 है। m क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सोनेंट को। n क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, वॉवल्स को। तो कैसे अरेंज कराऊंगा बताओ जरा, कैसे आएगा बताओ, फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला आएगा m फैक्टोरियल, लगा लो m फैक्टोरियल m प्लस वन पी एन, लगाओ देखो जरा कितना। तो m कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। चलो कोई बात नहीं, बहुत है, 4 फैक्टोरियल है इनटू 4 प्लस वन पी 3, तो लगाओ जरा देखो कितना बनता है। 4 प्लस 1 5p3 हो गया, तो 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल रहेगा, 5p3 कैसे सॉल्व करोगे, 5 × 4 × 3 5 × 4 3, तो वही तो चाहिए, 4 फैक्टोरियल 5 × 4 3 5 × 4 3। जैसे करो जैसे करो, किया देखो, अब मैंने चार कांसेप्ट करा दिए, ट्राई करना 1 से 10 तक ट्राई कर लेना क्वेश्चन, तो कल अगले लेक्चर में बताएंगे। ओके बाय।